हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 22 अगस्त 2023। शुरू करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करेंगे रिवीजन से। पहला, फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट, इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। FIH मेंस हॉकी रैंकिंग अभी रिलीज हुए, उसमें टॉप किया नीदरलैंड ने। रायचूर ने टॉप किया है नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। गैलेंट्री अवार्ड अभी दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, कितने दिए हैं टोटल? 76। आगे, नेशनल स्पेस इनोवेशन, ये लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन प्लस नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया और इसरो, ये तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। कार्बोनोलाइट मेट्रो ट्रैवल, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है DMRC ने दिल्ली मेट्रो। ठीक है, आगे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ July 2023 के लिए कौन है? क्रिस वोक्स एंड एशले गार्डनर। क्रिस वोक्स ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती है, ये महिला खिलाड़ी है। पहला सवाल देखो, पहले सवाल की तरफ चलिए। अभी रिसेंटली भारतीय साक्ष्य बिल, ये रिसेंटली किसने इंट्रोड्यूस किया और ये पास भी हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये कब का था? 1872 का था, ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और दो लॉ चेंज किए भारत सरकार ने, पहले इंडियन पेनल कोड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IPC। ठीक है, ये था 1860 का, ये भी चेंज कर दिया है, मतलब नया आएगा। उसके बाद CRPC क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, ये कब का है? 1898 का है। तीनों के तीनों लॉ अंग्रेजों के ज़माने के हैं, ये तीनों के तीनों लॉ चेंज किए हैं भारत के होम मिनिस्टर ने। कौन है? अमित शाह। इसका सही जवाब क्या है? अमित शाह। मनसुख मांडविया भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर है। अर्जुन राम मेघवाल ये लॉ मिनिस्टर है, लॉ चेंज किया है तो लॉ मिनिस्टर भी न्यूज़ में आएंगे, ये है लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर दो। रिसेंटली विकास सिन्हा ये गुजर गए, कौन थे ये विकास सिन्हा या भी गुजर गए हैं? ये है, ये थे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। ठीक है, फादर कौन है न्यूक्लियर प्रोग्राम के? होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, फादर कौन है स्पेस के, स्पेस प्रोग्राम के? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। ओके, मिसाइल मैन कौन है? मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिल जैन जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। मिसाइल, अगर मैं बात करूँ मिसाइल वुमन की, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया ये कौन है? थेसी थॉमस। ओके, सवाल देखो, सवाल है अभी रिसेंटली कौन सा देश ने टारगेट किया है, एम किया है जो अपना नेचुरल गैस का शेयर 15% करेगा 2030 तक, और ये ट्रिपल होगा। ठीक है, ट्रिपल करेगा अपना शेयर लगभग 15% तक, कौन सा देश करने वाला है? इसका सही जवाब है इंडिया। भारत करने वाला है नेचुरल गैस का शेयर 15% तक बाय 2030। अगर मैं टारगेट ईयर की बात करूं तो 2050 तक
मुंबई पहली साउथ एशियन सिटी बनने वाली है जो कार्बन फ्री होगी। मुंबई कार्बन फ्री। उसके बाद 2030 तक इंडियन रेलवे कार्बन फ्री, कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन। 2025 तक और 2030 तक, 2025 तक क्या टीबी खत्म होगा, 2030 तक मलेरिया खत्म होने का भारत का टारगेट है। अभी 2-4 दिन पहले क्वेश्चन हुआ था लिम्फेटिक फिलेरिसिस, ये 2027 तक भारत खत्म करने का टारगेट है। 2047 तक इंडिया एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ठीक। ये टारगेट भारत ने रखा है और इसी साल भारत को 100 साल कंप्लीट हो गए आज़ादी के। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4, ये क्या कह रहा है। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर एक बुक है मानसून, ठीक है, मानसून, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये बहुत चर्चित किताब है और ये सवाल एग्जाम में पहले आ चुका है और ये बुक भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ चुकी है। इसका सही जवाब क्या है, अभय के, ठीक है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अमिताभ कांत ने बुक लिखी है कौन सी, मेक इन इंडिया, ठीक है, ये किताब लिखी है अमिताभ कांत ने। ये पूर्व नीति आयोग के सीईओ थे, कब कभी 2015 में ये थे। रस्किन बॉन्ड, इन्होंने किताब लिखी थी गोल्डन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद अमिताभ भट्टाचार्य, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, ये क्या कह रहा है। अभी रिसेंटली कौन से देश ने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ये मनाया है उन विक्टिम के याद में जो 1947 में वायलेंस में मर गए थे, ठीक है। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ये मनाते हैं 14 अगस्त को, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो उसी दिन फरमान आया कि जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह सकते हैं। तो वही अदला बदली में बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। किसी की ज़मीन यहाँ पे रह गई, किसी के रिश्तेदार फैमिली यहाँ पे रह गए, किसने मनाया है, भारत ने मनाया है, ठीक है। मेरा सवाल है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, इंडिया का, ओके। साथ ही साथ और किसका होता है इंडिपेंडेंस डे, साउथ कोरिया, कॉन्गो, बहरीन, लाइसेस्टियन, इन चारों का भी होता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6, ये क्या कह रहा है। यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, एक कैंपेन का नाम है यूपीआई चलेगा, ये किसने लॉन्च किया है, कौन है लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब है NPCI, RBI, रुपे या सेबी। इसका सही जवाब है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक है। ये बना था 2008 में दिलीप आपसे, इसके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। RBI ये 1935 में बना था, इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। रुपे ये कार्ड 2014 में आया था, ठीक है, और ये क्रॉस बॉर्डर में भी अभी चल रहा है, कहाँ पाए, UAE, भूटान, नेपाल और सिंगापुर, ठीक है। आगे देखो, सेबी बना था 1992 में, एक्ट आया था 1988 में, इसके कौन है चीफ, मधाबी
पूरी बुक, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट पे नज़र रखते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? शेयर मार्केट, शेयर बाजार, उसी का अलग नाम है दलाल स्ट्रीट, जो है मुंबई में। आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, एक ट्रैवल कंपनी है मेक माई ट्रिप, ठीक है, इसके साथ कौन से मंत्रालय ने करार किया है फॉर यूनिक 600 एंड अनकन्वेंशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? देखो, ट्रैवल की बात आई तो आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करते हो। करेक्ट जवाब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक ही के हाथ में है, वो है जी किशन रेड्डी, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। एजुकेशन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था दीक्षा, ओके, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप मुझे क्वेश्चन बताओ। गिरा सिंह कौन से मंत्री है, ठीक है। गिरा सिंह कौन से मंत्री है, और कोल मंत्री कौन है, स्टील मंत्री कौन है, आप कमेंट कर लेना। और साथ ही साथ और एक है, और एक है कौन सा, रुको, पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कर लेना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8, ये क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे, लेफ्ट हैंडर्स डे ये कब मनाया जाता है? लगभग दुनिया में पूरी आबादी के 10% लेफ्ट हैंडर्स है, आई एम वन ऑफ देम, और राइट हैंडर्स है कितने? 90% लगभग, ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 10% के हिसाब से है। इसका सही जवाब क्या है? 13 अगस्त। अगर मैं डे की बात करूँ तो 10 अगस्त को लायन डे होता है, 12 अगस्त को एलिफेंट डे होता है जो हमने रिवीजन किया था, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, बीस अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिन, उसके साथ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कॉन्गो, बहरीन, इनका भी, और लाइसेस्टेन, इनका भी स्वतंत्र दिन होता है 15 अगस्त को। 9 अगस्त को यूएन इंडिजिनियस पीपल डे, ओके। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे, ऑल इंपॉर्टेंट डे है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अगला सवाल देखो, 9वां सवाल, अभी रिसेंटली कौन सी संस्था अपनाएगी, एमएस का मतलब अपनाएगी एआई टेक्नोलॉजी टू एनहांस रेगुलेटरी ओवरसाइट, उन्नत नियामक परीक्षण के लिए कि कौन सी संस्था एआई को अपनाएगी? इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये बना था 1935 में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। सेबी बना था 1992 में, ठीक है, इसके कौन है चीफ? मधाबी पुरी बुक। नाबार्ड बना था 1982 में, इसके कौन है चेयरमैन? शाहजी केवी। सिडबी, सिडबी बना था 1990 में, एस रमन्ना इसके चेयरमैन है, यहां लिख देता हूं मैं।
ओके, और ये शक्तिकांत दास है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल, कौन से संस्था ने इंट्रोड्यूस किया है क्या रिफॉर्म फॉर ट्रांसफरन होम लोन ईएमआई, ईएमआई फुल फॉर्म चाहिए मुझे कमेंट में। दूसरा एनडीटीएल, इसका मीनिंग चाहिए, मतलब क्या होता है कमेंट कर लेना। बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये, पता होना चाहिए। एनएसीएच, इसका भी फुल फॉर्म मुझे चाहिए, कमेंट कर लेना। इसका सही जवाब क्या है? आरबीआई, सेबी का मैंने बताया था 1988 में एक्ट आया था, 1992 में शुरू हुआ था, माधवी पुरी चेयरमैन है। आईसी से आईसीआईसीआई, संदीप बख्शी चेयरमैन है, 1994 में बना था। एचडीएफसी, शशिधर जगदीशन इसके चेयरमैन है, और ये भी 1993 के करीब बना था। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक इसके कौन है, ये 1993 के करीब बना था। और अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी इसके सीईओ है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।